समय हम हैं गौरीकुंड में और केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। केदारनाथ की मेरी तीसरी यात्रा है। मधमेश्वर के बाद से सीधे यहीं पे आ गए हैं और हमें नीचे से ही उखीमठ से ही सीधे गौरीकुंड तक की गाड़ी मिल गई थी, तो हमारा सफ़र थोड़ा और आसान हो गया। और अभी फ़िलहाल शायद बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 9:30 बज रहे हैं। और ये 2 किलोमीटर का रास्ता पार हो चुका है और 14 किलोमीटर और शेष। लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। थोड़ा सा आगे यहीं से रामबाड़ा शुरू होता है। मेरे ख्याल से 6-6.5 किलोमीटर हमने पार कर लिए 1.5 घंटे में। इस हिसाब से चलने का एवरेज काफ़ी बढ़िया है, तो आई थिंक 2 या 3 घंटे में मंदिर के सामने होऊंगा। चलिए, जय बोले, जय बोले। तो फाइनली हम पहुंचे जहाँ पे, वो है रामबाड़ा। रामबाड़ा से मंदाकिनी जो है अपने फुल पूर्ण आवेग में बह रही है। अब इस पुल पार करके हम आगे बढ़ेंगे। पुल हिल रहा पूरी तरह से। पुल जो है बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। बढ़िया है, तो जैसे लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, वैसे जिस प्रकार से ये हिल रहा है, इसे भी रामबाड़ा झूला नाम दे देना चाहिए। अब हमारी मंजिल नज़दीक है। नज़दीक मतलब आधा रास्ता बाकी है अभी, उन क्लिशों से हमें पहुंचना है। जिन चोली दिख रही है, और यहाँ से सबसे मुश्किल चढ़ाई शुरू होती है। कह सकते केदारनाथ की असली चढ़ाई तो यहीं से आरम्भ होती है। अब तक जो हमने रास्ता पार किया था वो तो खाली इसका कह सकते हैं कि छोटा सा नमूना मात्र था। अब असली चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी, जब ये जिग-जैग में हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, हालत खस्ता हो जाएगी। ये तीसरी बार है मेरा, इसके बावजूद मन घबरा रहा है। चलिए, अब बोले आज इतने आसानी से तो मिलने वाले हैं नहीं। और यहाँ कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल के मंदाकिनी के किनारे पे जाके बैठे हुए हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं। चल, और केदारनाथ पहुँचते पहुँचते हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई है, हल्की सी बूंदाबांदी सी बर्फ गिर रही है। अब दिक्कत ये हो गई है कि मेरे जो साथी थे वो घोड़े पे चले गए, और ये हल्की सी बर्फबारी दिखाई दे रही है। अरे हाँ, तो भाई बर्फ गिरी हुई है। हुआ यूं कि मेरे जो दोस्त थे, पार्टनर जो भी थे, उन्होंने घोड़े खच्चर इत्यादि कर लिए थे और मैं पैदल यात्रा पे निकल गया था। और केदारनाथ से कुछ 8 किलोमीटर पहले जब हम पहुँचे तब बर्फबारी शुरू हो गई। अब देख रहे हैं अभी बर्फ गिर रही है, हल्की फुल्की है, लेकिन माहौल काफ़ी ठंडा हो गया था। और उस समय मेरे कपड़े भी नहीं थे मेरे पास में, क्योंकि कपड़े जैकेट्स जो भी थे वो सब मेरे बैग में थे, और उन्होंने घोड़े पे जाते हुए सारे बैग्स इकट्ठा कर लिए थे और बैग्स भी लेके चले गए थे। तो अब क्या करता, ठंड काफ़ी लगने लगी थी। अब मुझे लगा कि ऊपर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन भगवान भोले बाबा की कृपा रही और मेरे चलने की थोड़ी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो कुछ नसीब ये रही कि मैं आगे निकल गया था। मुझे लगा घोड़े जो है वो आगे निकल गए होंगे, लेकिन मैं उनसे 2 किलोमीटर आगे था। और एक होटल में मैंने ठंड से बचने के लिए थोड़ा सा आसरा लिया था, चाय वगैरह पी रहा था, तो उसी समय मुझे वो आते हुए दिखाई दिए मेरे दोस्त। और उस समय फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, मैं काफ़ी कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कॉल नहीं हो पा रहा था,
अब मैं सोचा क्या करूं, तो ऐसे में आते हुए दिखाई दिए तो मुझे खुशी हुई कि भाई कम से कम तेज चलने की जो आदत है मेरी आज काम आई और मैं उनसे आगे रहा। अगर वो आगे पहुंची होते तब तो बड़ी मुश्किल होती। फिर इस ठंड में उंगलियां मेरी जमने लगी थी। अभी भी फिलहाल बर्फ़ गिर रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और देखिए बर्फ़ गिरी हुई है ताज़ा बर्फ। तो अभी भी हम 4 किलोमीटर पीछे हैं, तो 4 किलोमीटर ऊपर देखते हैं क्या बर्फ़ अब तेज़ होने लगी है, तो चलते हैं। जय बोले। और केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले शानदार बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। ये बर्फ गिर रही है वादियों में, बर्फ देखिए पहाड़ों में बर्फ गिर चुकी है और यहाँ पे बर्फ गिर रही है। और अभी भी हम 4 किलोमीटर पीछे हैं और मेरी हैट में बर्फ के गोले। और चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पहाड़ों पर गिर चुकी है, अभी हम 4 किलोमीटर पहले, अगर 4 किलोमीटर पहले ये हालत है बर्फबारी की, तो आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेश स्नोफॉल एट केदारनाथ। बर्फबारी देखिए तेज हो गई है। कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। केदार घाटी पूरी तरह से बर्फ से नहाई हुई है, बर्फबारी जो है अभी भी जारी है। अभी और यहाँ से अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ऐसा दृश्य, स्वर्ग। हालांकि स्वर्ग के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए सामने से बर्फ की पूरी एक दीवार खड़ी है, उसके आर पार जैसे कोई दुनिया है ही नहीं, खत्म। जय भोले भोले की महिमा, अपरंपार अपरंपार। पीछे की पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही कोहरे के कारण। स्नोफॉल जारी है अभी। और आखिरकार हम पहुंचे केदारनाथ। ये टोपी मैंने लगाई है बर्फ की वजह से। पीछे की घाटियां देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। हर हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी जारी है। अभी शायद केदारनाथ के कवर बंद होंगे, शाम को शायद खुलेंगे पूजा वूजा के समय। सर्दी का हाल ये है कि बोला नहीं जा रहा, उच्चार स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, क्या बोला समझ नहीं पाएंगे लोग। ये केदारनाथ का हेलीपैड है, यहाँ पे पब्लिक खड़ी है अपने अपनी वारी का इंतजार कर रही है। और पीछे क्या पर्वत, बर्फ गिरी हुई है। अभी सूर्य निकल रहा है धीरे धीरे, तो चोटियाँ जो है चांदी की भांति दमक रही हैं। पता नहीं कैमरा निकाल रहा पा रहा है कि नहीं, दिखा पा रहा है कि नहीं, कैमरे की उतनी कैपेसिटी नहीं है ये सब खूबसूरती को समेट सके। चलिए पहुँचते हैं केदारनाथ मंदिर जी के पीछे के जो पहाड़ है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई,
बंद होने की तैयारी में है केदारनाथ मंदिर के सामने, और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है 6 तारीख की कपड़ बनाने की, और अभी वजह 3:50 हो रहे हैं, और 3:50 बजे मेरे आते ही मैं देखा कपाड़ खुले हुए थे तो मैंने फौरन दर्शन कर लिए, समय का लाभ उठाया। चलो अब दर्शन की जो कतार थी उससे मैं बच गया, अगर सुबह मौका मिला तो वापस एक बार दर्शन अवश्य करूँगा। और तो आसपास पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी रही हैं, ढके जा रही हैं, बर्फबारी अभी जारी है, थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही है लेकिन उतनी नहीं, शाम को शायद मौसम और ठंडा हो तब गिरे। Let's go.